चलो अब 10 मिनट तक कोई डिस्कशन नहीं। देव, मानसी, विदिशा, साक्षी, 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 10 मिनट तक कोई डिस्कशन नहीं। ओके, आई एम डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज, कोई डिस्कशन नहीं। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन की लिमिट्स सिर्फ इंटरचेंज किए हैं, फंक्शन सेम है। तो इस केस में जो इंटीग्रेशन का साइन रहता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, सब कुछ सेम है, सिर्फ लिमिट्स क्या कर दिए हमने? इंटरचेंज। ओके, लिमिट्स क्या कर दिए हमने? इंटरचेंज। नेक्स्ट, अगर लिमिट्स हमने सेम रखे, मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम है, तो कौन बताएगा आंसर क्या आएगा इस लिमिट इंटीग्रेशन का? जीरो। आफ्टर दिस इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल बी टू सी, मैंने बोला 10 मिनट तक कोई डिस्कशन नहीं। देव, विदिशा, कौन सी लैंग्वेज में समझाना है अभी? डी एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है? यहाँ का अपर लिमिट एंड यहाँ का लोअर लिमिट क्या है? सेम है। एंड योर बी इज लाइंग बिटवीन ए एंड सी। ओके, बी इज लाइंग बिटवीन ए एंड सी, देन योर लिमिट, फाइनल लिमिट विल बी ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, ऑलराइट, ए टू बी, बी टू सी, सो बट बी शुड बी लाइंग बिटवीन ए टू सी। तो कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉपर्टीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज करेक्ट, ऐसा भी पूछते हैं। तो इसलिए प्रॉपर्टीज एटलीस्ट रट तो लो, क्योंकि क्या क्या प्रॉपर्टीज है, भले ही अप्लाई करते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर प्रॉब्लम होता है तो एटलीस्ट प्रॉपर्टीज रट लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सो दैट ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो मिस नहीं होगा। इंटीग्रल जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स is equal to integral 0 to a f of a minus x dx. This is also property. Then you have one more, a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx. A plus b minus x dx. यहां तक नोट कर लिए प्रॉपर्टीज? यस, ऑल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिमिट अगर इंटरचेंज हुआ है तो सिर्फ साइन नेगेटिव चला जाता है। अगर लिमिट्स दोनों के सेम है, अपर एंड लोअर लिमिट, तो आंसर क्या आ जाता है? सीधा जीरो आ जाता है। इफ इट इज ए टू बी, बी टू सी एंड बी इज लाइंग बिटवीन ए एंड सी, देन आंसर विल बी डायरेक्टली ए टू सी एफ एक्स डी एक्स। जीरो टू ए, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स की जगह पे ए माइनस एक्स डी एक्स। ए टू बी, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, चलो ध्यान दो अभी। क्या हुआ, कौन सा प्रॉपर्टी? हाँ, सेकेंड वाला, इट शुड बी बी टू ए। सेकेंड वाले प्रॉपर्टी में करेक्शन करो नोट्स के, इट शुड बी बी टू ए। फर्स्ट वाला बताती हूँ। अरे यार, चुप बैठो, 10 मिनट की बात है, इतना भी पेशेंस नहीं, कैसे कर लोगे सीए? चलो, ए टू बी, इफ आई चेंज द वेरिएबल, अगर एक्स की जगह पे सिर्फ टी आता है, लिमिट्स में चेंज नहीं है, एक्स की जगह पे सिर्फ टी आता है, मतलब मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डी एक्स, कितनी बार बताना है रे, मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स वन टू थ्री, एक्स की जगह पे सिर्फ टी आया, टी स्क्वायर डी टी वन टू थ्री, तो दोनों का आंसर तुम्हें सेम मिलेगा, बिकॉज हमें पता है इसका जो आंसर है वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता, इसका आंसर सिर्फ वैल्यू रहता है। तो फंक्शन भी सेम है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वन टू थ्री है, यहाँ पे वन टू थ्री है। ठीक है, सो कुछ चेंजेस है क्या इसमें? नहीं। सो फंक्शन भी सेम है, लिमिट्स भी सेम है, तो आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, सो एफ एक्स डी एक्स ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी ए टू बी, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो
अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। मान के चलो अब इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, देखो ध्यान दो, एंड ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, if you have f of x is equal to f of minus x, then function is even function. F of x is equal to f of minus x, then function is what? Even function. If you have minus f of x equal to f of minus x, मतलब दोनों एक दूसरे के negatives हैं, कौन? F of x और f of minus x, क्या है एक दूसरे के negatives, तो वो क्या हो जाता है? Odd function. और अगर f of x एंड f of minus x दोनों इक्वल है तो वो क्या हो जाता है? इवन फंक्शन। अब देखो ध्यान दो जरा, सपोज यू हैव f of x इक्वल टू x स्क्वायर, अगर मैं x को माइनस x से रिप्लेस कर देती हूँ तो कितना आएगा? x स्क्वायर आएगा ना। इफ आई रिप्लेस x बाय माइनस x तो क्या आएगा? x स्क्वायर ही आएगा ना। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ? f of minus x कितना मिला हमें? x square मिला। So f of minus x is equal to x square का value क्या है? So दोनों same ही मिले हमें, f of x भी x square था और f of minus x भी x square था, तो इसको क्या बोलते हैं? Even function. Now let's check for f of x equal to x cube. अगर मैं replace करती हूँ x को minus x से तो कैसे दिखेगा? Minus x का cube, negative sign रहेगा ना, माइनस एक्स क्यूब होगा वो। सो इफ आई नोटिस दिस तो मुझे मिलेगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स, सो बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। समझ में आई बात? इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन में अगर तुम्हारा लिमिट इस पैटर्न में होता है माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तुम्हारा आंसर सीधा आएगा जीरो इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, देन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर आएगा टू इंटू जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, व्हेन इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। ओके, ये क्या आएगा आंसर? माइनस एफ ऑफ एक्स, ये ऑड फंक्शन का सिंबल है, सो आंसर सीधा जीरो आएगा इफ यू हैव माइनस ए टू प्लस ए इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, एंड आंसर विल बी ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन। Note it down. Done. कर ले टाइप थ्री के क्वेश्चन अभी? यस एवरीवन, ओके चलो लिखना था, लिख लिया ना प्रिया? कुछ बाकी है? लिखो लिख लो, कोई प्रॉब्लम। अरे बोल दो ना फिर बोल दो, बाकी है तो बोल दो। कॉन्स्टेंट एज इन, मुझे नहीं समझ में। अच्छा ओके, हाँ 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 हाँ, इट इज गोइंग टू बी इवन फंक्शन। यस वन बाय टू नहीं आना चाहिए, टू आई लेके अभी ना टू आई इज इक्वल टू और वो आई। चलो ध्यान दो, फर्स्ट
टाइप का क्वेश्चन है, आई मीन टाइप थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन है, सामने ध्यान दो, डोंट डिस्कस देव विदिशा, डोंट डिस्कस फॉर सम एटलीस्ट फॉर फर्स्ट फाइव क्वेश्चंस, ओके डोंट डिस्कस. लुक हियर यू हैव 0 to 5 अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 5 - x dx. ओके हमने एक प्रॉपर्टी देखा था, कौन सा प्रॉपर्टी देखो, 0 to a एफ ऑफ एक्स डीएक्स. अब ये थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेशन चाहिए यहाँ पे कि कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगा. सो 0 to a इक्वल टू, जनरली 0 to a के केस में ये प्रॉपर्टी लगता है जब लोअर लिमिट 0 होगा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स. ठीक है, सो अगर मैंने कंपेयर किया इसको 0 to a के साथ तो मुझे एफ एक्स क्या मिला है, दिस वन ना, दिस इज एफ एक्स. सो एफ एक्स क्या है हमारा, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 5 - x, सही है ना. अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए माइनस एक्स चाहिए. ए क्या है हमारा, चेक करो व्हाट इज ए, ए इज 5 है ना, तो ए हमें कितना मिला है, 5 मिला है. अब हमें क्या ढूंढना है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स मतलब 5 - x, सही है ना. तो x को रिप्लेस करना है किस चीज से, 5 - x. तो जहां जहां पे मुझे x दिखेगा वह उस जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 5 - x. ठीक है, सो रूट ऑफ 5 - x अपॉन रूट ऑफ 5 - x प्लस रूट ऑफ 5 - 5 - x, सही है. 5 चला गया, क्या मिला हमें, रूट ऑफ 5 - x अपॉन रूट ऑफ 5 - x प्लस रूट ऑफ एक्स. एनी डाउट इन दिस. तो अभी अगर हमने ये दो एक्सप्रेशंस को देखा, इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स, दोनों सेम है ना, दोनों सेम है. सो आई विल से I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स क्या है अपना, एफ ऑफ एक्स इज दिस, ओके रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 5 - x डीएक्स. एंड अगर ये इसका वैल्यू आई है तो इसका भी वैल्यू आई होगा बिकॉज दोनों क्या है, सेम है. सो इसको भी मैं आई ही बोलूंगी, इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स क्या है, रूट ऑफ 5 - x अपॉन रूट ऑफ 5 - x प्लस रूट एक्स डीएक्स. ठीक है, अब देखो ये आए है ये भी आए है, दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 2i. इसको भी ऐड कर लो, इसको भी ऐड कर लो, इंटीग्रल 0 to a रूट एक्स प्लस 0 to a रूट ऑफ 5 - x. क्या किया हमने, दोनों को ऐड किया, क्योंकि ऐसे तो इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं होने वाले. ओके तुम रैशनलाइज करो, तुम कुछ भी करो इंटीग्रेशन और सॉल्व करोगे तो भी थोड़ा सा लेंथी होने वाला है. जो इजी मेथड है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, मतलब इससे भी इजी मेथड जिस पे ऑब्जर्वेशन अपर लिमिट का जो वैल्यू होता है उससे तुम आंसर बता सकते हो, वो बताने वाली हूँ मैं. बट पहले ये मेथड समझ लो सो दैट तुम क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे रॉन्ग नहीं होंगे. ठीक है, तो पहले ये मेथड समझना जरूरी है. सो क्या आएगा, ये 2i इक्वल टू 0 to a दोनों को ऐड कर लो, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 5 - x अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 5 - x डीएक्स. ए कितना था अपना, 5 था ना, ए वॉज 5, ए वॉज 5. तो क्या हुआ, 0 to 5 ये ऊपर और नीचे का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चला गया, 1 dx बचा. ओके 1 dx बचा ना, सो क्या हुआ फिर ये, यस
2i equal to integral 0 to 5 1 dx. So 2i equal to 1 dx क्या होता है? x होता है 0 to 5. Upper limit minus lower limit. I is what? 5 by 2. So इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, जो तुम्हारा अपर लिमिट होता है ना, जो तुम्हारा अपर लिमिट होता है, इसका अगर तुम हाफ करोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा 5 by 2. इतना सब करने की जरूरत नहीं, बट उसके पीछे का लॉजिक ये है, जस्ट अपर लिमिट. हाँ, और कंडीशन क्या है? एड करने के बाद 1 मिलना चाहिए दो फंक्शन को, एंड लिमिट कैसा होना चाहिए? 0 टू a होना चाहिए. अपर लिमिट का सीधा हाफ कर दो, यू विल गेट दी आंसर 5 by 2 डायरेक्ट. तो इतना सब करने की जरूरत नहीं, पहला क्वेश्चन तो लिख लो, बाकी क्वेश्चंस में अपन वैसा ट्राई करेंगे. तो शॉर्टकट मेथड में यू जस्ट हैव टू चेक 0 टू ए लिमिट एंड एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स शुड बी 1. चेक दीज थिंग्स, एफ ऑफ ए माइनस एक्स शुड बी 1, देन योर आंसर इज गोइंग टू बी डायरेक्टली ए बाई 2. शॉर्टकट मेथड इसको अप्लाई करेंगे अभी, ठीक है? बताती ना, देखना ये कब कैंसिल हो रहा है, ये बेसिकली तुम 5 by 2 क्यों लिख पा रहे हो, बिकॉज यहाँ पे 1 आ रहा है ना, तो ये 1 कैसे आया तुम्हारा, जब तुम दोनों को एड कर रहे हो तब 1 आ रहा है ना, तो एफ एक्स एंड एफ ऑफ ए माइनस एक्स उनका एडिशन 1 आना चाहिए, तब जाके चीजें. इलेवेंथ क्वेश्चन कट कर दो, वो गलत है एक्चुअली, इलेवेंथ कट कर दो, सिक्स्थ क्वेश्चन भी कट कर दो, इट इज एक्चुअली टैन इनवर्स, सिक्स्थ क्वेश्चन कट कर दो, देन नाइन्थ क्वेश्चन रिपीट है, नाइन्थ भी कट कर दो, सिक्स्थ नाइन्थ एंड इलेवेंथ कट कर दो टाइप थ्री में से, सिक्स्थ नाइन्थ एंड इलेवेंथ. ठीक है, चले आगे. यस एवरीवन, शॉर्टकट मेथड करें. अब शॉर्टकट मेथड नोट कर लिया? रिया बताती नहीं है तू, लिखना बाकी होगा तो. हाँ लिखो लिखो लिखो. सो 0 टू ए लिमिट चेक करना है, 0 टू ए फॉर्मेट है क्या, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स चेक करना है. डन जनरल. चलो, मैंने क्या बोला, शॉर्टकट से चेक करो क्वेश्चन नंबर, बहुत ज्यादा ना, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल 0 टू 4 एक्स रेस टू 4 अपॉन एक्स रेस टू 4 4 माइनस एक्स रेस टू 4 डीएक्स. क्या क्या चेक करना है? सबसे पहले चेक करना है 0 टू a है क्या, है क्या 0 टू a? यस, 0 टू 4 है ना हमारे पास. अब हमें f ऑफ x और f ऑफ a माइनस x चेक करना है, दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए 1. तो f ऑफ x कितना है, x रेस टू 4 अपॉन x रेस टू 4 4 माइनस x रेस टू 4.
एफ ऑफ ए माइनस एक्स, हमारे पास ए का वैल्यू कितना है, फोर, फोर माइनस एक्स, सो लेट्स चेक इट आउट कितना आता है, एक्स की जगह पे जाएगा फोर माइनस एक्स, एक्स की जगह पे जाएगा फोर माइनस एक्स, एक्स की जगह पे जाएगा फोर माइनस एक्स, फोर फोर चला गया, क्या बचा हमारे पास, एफ ऑफ फोर माइनस एक्स क्या बचा, फोर माइनस एक्स रेज टू फोर अपॉन फोर माइनस एक्स रेज टू फोर प्लस एक्स रेज टू फोर. अब ये तुम्हारा एफ एक्स है, दिस इज एफ एक्स ना, एंड दिस इज एफ ऑफ फोर माइनस एक्स. मैंने सेकेंड कंडीशन क्या बोला, दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए, सो लेट्स चेक वेदर वी आर गेटिंग वन और नॉट, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ फोर माइनस एक्स, वन आता है क्या चेक करते हैं, एक्स रेज टू फोर अपॉन एक्स रेज टू फोर प्लस फोर माइनस एक्स रेज टू फोर प्लस, आ रहा है वन, वन आ रहा है ना, अगर न्यूमरेटर्स को ऐड करोगे तो ये वन आ रहा है, सो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो अपना आंसर क्या आता है फिर, ए बाई टू होता है आंसर, ए बाई टू मतलब अपर लिमिट बाई टू, अपर लिमिट क्या है अपना फोर, फोर बाई टू, डायरेक्ट आंसर कितना आया, टू आया. अब ये तो हमें लिखना पड़ रहा है, तुम ओरली भी देख सकते हो चीजें, ओके, इतना सब करने की वैसे तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. समझ में आया, यस, क्या हुआ, प्रॉपर्टी यूज करनी है, ए टू बी वाला, ए टू बी वाला ही यूज हो सकता है फिर ज्यादा से ज्यादा, वन प्लस टू थ्री प्लस लेंगे हो जाएगा, क्यों करो, नहीं दो दो फंक्शंस नहीं, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होके एक फंक्शन ले सकते हैं, एक्स लॉग एक्स को एक फंक्शन ले सकते हैं, बट वो भी नहीं होगा यार सही से. यूवी रूल ही कर दो, यूवी रूल ही कर दो, क्योंकि वो प्रॉपर्टी होगी तो भी स्ट्राइक होना बहुत डिफिकल्ट है, वैसे भी लॉग ही आएगा अगर प्रॉपर्टी से करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी अगर पता भी हो तो भी स्ट्राइक होना मुश्किल है, तो इट्स बेटर टू यूज यूवी रूल. चलो डन, क्वेश्चन नंबर थ्री, इंटीग्रल जीरो टू फाइव एक्स प्लस फोर रेज टू वन बाय फोर अपॉन एक्स प्लस फोर रेज टू वन बाय फोर प्लस नाइन माइनस एक्स रेज टू वन बाय फोर, सो दिस इज एफ एक्स ना, अब क्या करेंगे, एफ ऑफ फाइव माइनस एक्स चेक करो, एक्स की जगह पे रखेंगे फाइव माइनस एक्स, एक्स की जगह पे रखेंगे फाइव माइनस एक्स, एक्स की जगह पे रखेंगे फाइव माइनस एक्स, ठीक है, बताओ कितना आता है, आता है वन दोनों का एडिशन, सो आंसर विल बी फाइव बाई टू.
चलो कितना है फिर ये 5 माइनस 6 9 माइनस 6 रेस टू 1/4 अपॉन 9 माइनस 6 रेस टू 4 प्लस 6 सो इसका और इसका एडिशन चेक करो 1 आना चाहिए आता है 1 कि देखो ना डिनोमिनेटर तो सेम है x प्लस 4 9 माइनस 6 ऐड हो जाएंगे 1/1 है ना सो बनाता है तो आंसर विल बी अपर लिमिट बाय 2 5 बाय समझ में आई ना बात यस पक्का फोर्थ क्वेश्चन इंटीग्रल 2 to 3 एफ ऑफ 5 माइनस 6 डीएक्स 2 to 3 एफ एक्स तुम बताओ चलो इसका आंसर आंसर 0 क्यों प्रॉपर्टी ए टू बी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे विच प्रॉपर्टी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स सो इस टर्म को एज इट इज रखो इसको सॉल्व करो क्या है एफ ऑफ क्या करेंगे ए प्लस बी ना मतलब 2 प्लस 3 माइनस एक्स डी एक्स सो कितना आया 2 to 3 एफ ऑफ 5 माइनस 6 डी एक्स माइनस 2 to 3 एफ ऑफ 5 माइनस 6 डी एक्स इक्वल टू 0 बोलो वो सेरिस वाले में वो लॉग में मॉड में ना हाँ हाँ मॉड में होना चाहिए वो सेम ही होगा फिर माइनस मतलब जीरो ना लॉग में हाँ लॉग में क्या किया तुम लोगों ने इस क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी गुड और फंक्शन आता है ना इसीलिए तो आंसर 0 आ रहा है विदिशा आंसर से लॉजिक डिसाइड कर रही है क्या पहले आंसर फिर लॉजिक फिफ्थ क्वेश्चन क्या है फिफ्थ क्वेश्चन देखो इंटीग्रल 1 to 2 एक्स लॉग एक्स डी एक्स सो लॉगारिथमिक फंक्शन इज u है ना अलजेब्रिक फंक्शन इज v सो क्या फॉर्मूला है अपना u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx ओके सो व्हाट इट विल बी u क्या है u इज log x इंटीग्रल v dx मतलब x dx du by dx इज डेरिवेटिव ऑफ log x विद dx एंड v इज व्हाट अगेन x dx ठीक है dx सो x का इंटीग्रेशन कितना आएगा x स्क्वायर बाय 2
सो दिस इज एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटीग्रल लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स इन टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स. अब क्या हुआ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन टू माइनस वन बाय टू एक्स एक्स चला गया क्या बचा हमारे पास एक्स डी एक्स बचा सही है ना. तो एक्स डी एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर बाय टू फिर से सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाय फोर. और क्या लिमिट्स डालने हैं हमें वन टू टू में हुआ क्या सॉर्ट आउट तुम्हारा मैंने अभी भी तो लिख के दिया था अभी भी तो लिख के दिया था मैंने चलो अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं है ना इसमें सो टू स्क्वायर लॉग टू अपॉन टू माइनस टू रेस टू फोर अपॉन फोर माइनस वन स्क्वायर लॉग वन अपॉन टू माइनस वन रेस टू फोर अपॉन फोर कितना आ रहा है लॉग वन जीरो होता है ये आएगा टू लॉग टू ये आएगा फोर प्लस वन बाय फोर टू रेस टू एक मिनट हाँ स्क्वायर है ना यहाँ पे वन होगा ये सो ये थ्री बाय माइनस थ्री बाय फोर हो जाएगा ठीक है. सो जब बायपार्ट्स लगाते हो बायपार्ट्स मतलब ये यूवी रूल लगाते हो तो पहले सब कुछ सॉल्व करके लो और फिर लिमिट्स डालो ठीक है. अंडरस्टूड ना इजी है. पूछ रहे बता रहे बता भी दिया डन. सेवेंथ ना माइनस वन टू वन लॉग ऑफ टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स डी एक्स. प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे हमें पहले मतलब माइनस वन टू वन जब माइनस ए टू ए ऐसा फॉर्मेट हमें मिलता है चेक फॉर इवन एंड ऑड. तो इवन ऑड के लिए हम क्या करते हैं एक्स इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स एक्स इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स फॉर इवन ऑड. व्हाट इज एफ एक्स लॉग ऑफ टू माइनस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स. इसको हम क्या करेंगे ऐसा लिखते हैं तभी वो समझ में आएगा. log a by b is log a minus log b. अगर x को माइनस साइन से रिप्लेस किया तो क्या आएगा ये x को माइनस से रिप्लेस किया तो ये आएगा टू प्लस एक्स और ये क्या आएगा टू माइनस एक्स. क्या समझ में आ रहे दोनों एक दूसरे के नेगेटिव है ना
यहाँ पे देखो ना प्लस लॉग ऑफ टू माइनस एक्स है और यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ टू माइनस एक्स है, यहाँ पे माइनस लॉग ऑफ टू प्लस एक्स है और यहाँ पे प्लस लॉग ऑफ टू प्लस एक्स है. सो दीज आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर, मतलब एफ एक्स जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स. सो इफ दे आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर विच टाइप ऑफ फंक्शन इट इज, ऑड फंक्शन. सो दिस इज ऑड फंक्शन. सो ऑड फंक्शन है तो आंसर डायरेक्टली क्या आता है, जीरो. पर लिमिट्स कंपल्सरीली कैसे होने चाहिए, माइनस ए टू प्लस ए होने चाहिए. लॉग वन इज जीरो ना, आंसर जीरो है बट उन्होंने ऑप्शन में लॉग वन दिया हुआ है तो लॉग वन जीरो होता है. कौन से क्वेश्चन पे हो, एट नहीं आ रहा है क्या, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, रूट एक्स को टी ले लो. व्हाट यार मानसी, देव कितने लोगों को ऐप पे वैसे प्रॉब्लम आ रही है एक्सप्रेशन देखने में, तेरे इसमें कुछ तो प्रॉब्लम मैम, वो एक्सप्रेशन 5-6 सेकंड बाद दिखता है क्वेश्चन आने के बाद, एक सेकंड बाद दिखता है क्या, 5-6 सेकंड बाद. अरे अरे बहुत अजीब है यार, सब सब चीजें ऑनलाइन से नहीं रिप्लेस की जा सकती है. अच्छा करने वाले मैम, मैम उसमें एक आंसर गलत है शायद, मैं भेजने वाली सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन आज मिलेगा तुम्हें, फर्स्ट टेस्ट का, सेकंड टेस्ट का मिल जाएगा 2-3 दिन बाद. मैम वो जो a प्लस बी होल क्यूब है ना, उसका फॉर्मूला शायद गलत लिखा था आंसर में. अच्छा देखना पड़ेगा. चलो क्वेश्चन नंबर 8 आया क्या आंसर रे, 0 to 1 e^√x a विदिशा आया क्या आंसर तेरा, रुको जरा रुको, सुनो 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 सुनो, t इज इक्वल टू रूट एक्स, dt बाई डी एक्स इज वॉट 1/2√x. सो रूट एक्स क्या है, पर टी है ना, सो टू रूट एक्स, रूट एक्स की जगह पे टी डाल दो, टू टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, रूट एक्स की जगह पे टी डाल दो. फिर से हमने क्या किया, रूट एक्स को टी लिया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर से एक रूट एक्स आया ना, तो ये जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो फिर से रूट एक्स आया है उसको टी ले लो, हाँ टी एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है. सो कैसे होगा, अभी लिमिट्स का भी तो प्रॉब्लम है, लिमिट्स भी तो चेंज करने पड़ेंगे, वैसे तो चेंज नहीं हो रहे, चेंज नहीं हो रहे. हाँ लोअर लिमिट अगर एक्स का जीरो है तो टी का भी जीरो आएगा, इसका वन है तो टी का भी वन आएगा, 0 to 1 0 to 1 यार. सो क्वेश्चन कैसे दिखेगा, e रेस टू टी, टू टी डी टी, टू को बाहर निकालो, 0 to 1 टी e रेस टू टी डी टी. बाय पार्ट्स यू इनटू वी, पता नहीं देखना पड़ेगा, सच में पता नहीं. चलो इसको सॉल्व करते हैं, अब टू को पहले थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, इसको ही सॉल्व करते हैं बस, टी ई रेस टू टी डी टी 0 to 1. सो कैसे होगा, दिस इज एक्सपोनेंशियल इज वी ना, एंड अलजेब्रिक इज यू, सो यू इंटीग्रल वी डी एक्स वी डी टी सॉरी माइनस इंटीग्रल डी यू बाई डी टी इंटीग्रल वी डी टी डी टी, यू इज वॉट t, v is e raise to t minus integral, रुक जरा, du by dt integral v dt, मतलब e raise to t
डीटी, यू कितना है अपना, टी है ना, सो ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन कितना आया, ई रेस टू टी इंटू टी माइनस डीटी बाई डीटी तो वन होगा, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन फिर से ई रेस टू टी डीटी, तो कितना आता है ये ई रेस टू टी टी माइनस ई रेस टू टी, और लिमिट्स क्या जाएंगे, जीरो टू वन, क्या हुआ बोलो, नहीं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, ई रेस टू वन इंटू वन माइनस ई रेस टू वन माइनस ई रेस टू जीरो इंटू जीरो माइनस ई रेस टू जीरो, ई रेस टू वन माइनस ई माइनस जीरो प्लस ई रेस टू जीरो, है ना, तो वन आएगा आंसर ना, ई रेस टू जीरो आता है ना, हाँ टू है, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो टू से मल्टीप्लाइड था, कंप्लीट एक्सप्रेशन वॉज मल्टीप्लाइड बाई टू, टू आता है, हाँ क्या हुआ बोलो, फिर भी आना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ टू लगेगा और क्या होगा, सब जगह पे टू लगेगा, दैट्स इट, सो टू इज द आंसर, ये वन का वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया, हाँ बोल क्या हुआ, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए ना, तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सपोनेंशियल इज वी, अल्जेब्रिक इज यू, वही पे गड़बड़ हो गई, बेसिक में ही जोड़ रहा हूं, एक्सपोनेंशियल इज वी, अल्जेब्रिक इज यू, मतलब ये आई होगा इंटीग्रेशन 2t * e रेस टू t ना, और ये dt के बाद में लिमिट्स, हंसो 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 तेजश्री हंसो, 2t मान लिया ये dt माइनस ये इंटीग्रेशन 2t का 2 e रेस टू इसका ये e रेस टू t, तो 2t * e रेस टू t आया ना, फिर तेरा देख, ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन है, इसको अगर मैं टू से मल्टीप्लाई करूंगी तो तेरा एक्सप्रेशन मिलेगा, सेम आया है, अब लिमिट्स डाल दे बस, जीरो टू वन, जीरो टू वन, तो ये वन डाला तो टू ई रेस टू वन, नहीं टू इंटू ई रेस टू वन, हाँ टू इंटू ई रेस टू वन माइनस टू इंटू ई रेस टू वन, फिर से अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट डालना, मैं जीरो सोची ना तो मैंने उसे डाला ही, तो ये जीरो हो जाएगा, फिर ये ई रेस टू जीरो, फिर माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, माइनस ई रेस नहीं माइनस टू ई रेस, यहाँ पे ये टू इंटू जीरो तो टू जीरो हो जाएगा ना, हाँ भाई ये तो जीरो हो गया, अरे है ना, टू इंटू जीरो इंटू ई रेस टू जीरो, तो ये जीरो हो गया और ये टू इंटू ई रेस टू जीरो हो गया, तो आ गया तेरा आंसर, ये तो जीरो हुआ, माइनस माइनस पहले तुमने यू एंड वी गलत लिया था, इसलिए प्रॉब्लम, यस चलो आगे बढ़ते, 9th रिपीटेड 10th क्वेश्चन करेंगे, माइनस टू 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 मॉड एक्स डी एक्स आया क्या आंसर, इवन फंक्शन है वो एक्स्ट्रा डी एक्स हटा दो, हाँ mod x is what type of function, even function, कैसे, चलो बैठ जाओ जल्दी फटाफट फटाफट, देव साक्षी बैठ जाओ, चलो फटाफट, बड़बड़ करता है, बड़बड़ बड़बड़ fx is, रुको जरा रुको, बताती fx is mod x, so f of minus x is mod of minus x, तेजश्री, so this is what x,
और इसका भी आंसर, अगर x पॉजिटिव है मान के चलो, x इज पॉजिटिव, f of x क्या है, mod x है ना, तो अगर x पॉजिटिव है तो ये आंसर भी x आएगा, और अगर x नेगेटिव है तो भी x आएगा, सही है ना, अगर x पॉजिटिव है तो भी आंसर x आएगा, और अगर x नेगेटिव है तो भी आंसर x ही आएगा, सो दोनों क्या है बेसिकली सेम है, अगर x पॉजिटिव है तो भी आंसर x आएगा, और अगर x नेगेटिव है तो भी आंसर x आएगा, सो दोनों क्या है सेम है, सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन, सो इवन फंक्शन के केस में क्या करेंगे अपन, 0 to 2 मॉड x dx, अब मुझे बताओ 0 to 2 के रेंज में तुम्हारा मॉड x x होता है ना, अपने इवन फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 into 0 to a एफ एक्स डी एक्स, सही है ना, तो 0 to 2 के रेंज में ये पॉजिटिव होगा ना, x ही होगा ना, वो 0 to 2 के रेंज में वो जो है वो पॉजिटिव होगा x जो भी है, सो x डी एक्स आंसर है, सो क्या आया फिर ये 2 into x² / 2 0 to 2, उसमें मॉड का फंडा है, वो सीधा x थोड़ी लेने का, ऐसे कैसे मॉड x को x ले सकते हो, फिर मॉड फंक्शन आया ही क्यों, उसको दो रेंजेस में स्प्लिट करना पड़ता है, -2 to 0 and 0 to 2, यहाँ पे आता है उसका वैल्यू -1 dx और यहाँ पे आता है उसका वैल्यू +1 dx, ऐसा है वो, इसलिए डायरेक्टली नहीं कर सकते मॉड के फंक्शन, ये थोड़ा अलग लेवल में जाएगा फिर मैथ्स, मल्टीप्लाई वाला 2 लेना पड़ेगा, वापस जब दूसरे फंक्शन मतलब दूसरा लेना पड़ता है, लेना पड़ता है, तो वो 0 है वैसे भी ना, तो 0 होता है 2 into 0 0, हमने थोड़ी वैसे ही किया, हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ये दोनों सेम मिलते हैं तुम्हें, ये दोनों का आंसर ना वो सेम मिलता है, बट 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद x लिया, हमने सिर्फ एक ही रेंज कंसिडर किया है 0 to 2, इसलिए हमने x लिया उसको, यहाँ पे नेगेटिव रेंज कंसिडर हो रही है और पॉजिटिव रेंज कंसिडर हो रही है, इसलिए नेगेटिव रेंज के लिए -x लेना पड़ता है, पॉजिटिव रेंज के लिए +x लेना पड़ता है, एंड ये दोनों का वैल्यू सेम आता है, एंड ये सेम आता है इसलिए हम इवन फंक्शन के केस में 2 into वो करते हैं, ऐसा है उसका डेप्थ, ओके, सो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेम्बर दैट दिस इज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन, एंड सिंस इट इज इवन फंक्शन यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 and take 0 to 2 positive range, so क्या आता है फिर, ये 2 और ये 2 तो चला गया, मत ही लो ना उसको, 2 तो कॉन्स्टेंट है वैसे भी चले जाएंगे, so क्या आया x square 0 to 2 2 square minus 0 square 4 minus 0 4 आता है आंसर, 2 नहीं आता, 4 आता है आंसर, 2 नहीं, अगर ये नहीं करना है तो कुछ और पढ़ो, हंसते क्यों बैठे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करते हैं अकाउंट्स की आज है 11:20 अगले 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, सर को बोलते हैं आप थोड़ा, सर को बोलते हैं थोड़ा, y is equal to क्या है हमारे पास fx, if curve passes through point 1,0 it is not 1.0 1,0 ठीक है, f dash of x is 2x - 1 और हमें क्या फाइंड आउट करना है, fx फाइंड आउट करना है, लिसन टू मी केयरफुली, कॉन्सेप्ट समझा रही हूं मैं, डोंट टॉक, बाकी लोग बातें मत करो जो लोग ध्यान नहीं दे रहे, fx का डिफरेंशिएशन क्या आता है, f dash of x आता है,
एंड एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है एफ एक्स आता है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन आता है एफ डैश ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन आता है एफ एक्स सही है ना हमें क्या चाहिए एफ डैश ऑफ एक्स से हमें चाहिए एफ एक्स मतलब हमें कैसे जाना पड़ेगा इंटीग्रेशन के पाथ से जाना पड़ेगा सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगी किसको एफ डैश ऑफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एफ एक्स मिलेगा सही है एफ डैश ऑफ एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एफ एक्स मिलेगा नाउ व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स टू एक्स माइनस वन डी एक्स सो कितना आता है ये इंटीग्रेशन एफ एक्स का 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाय 2 1 का इंटीग्रेशन x 2 2 चला गया प्लस c भी आएगा डोंट फॉरगेट दिस सो fx कितना हुआ x स्क्वायर माइनस x प्लस c अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट y इक्वल टू fx कर्व पासेस थ्रू व्हाट 1,0 सो y इक्वल टू एफ एक्स ये कर्व अगर 1,0 से पास होता है तो इसका मतलब मुझे x के जगह पे 1 रखना पड़ेगा और y के जगह पे 0 रखना पड़ेगा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा लेकिन प्रॉब्लम ये है y क्या है एफ एक्स इज y ठीक है सो y के जगह पे 0 x के जगह पे 1 प्लस c सो c कितना आया 0 0 and therefore fx is what x square minus x plus 0 which is x square minus x. See क्या क्या किया हमने f dash of x दिया हुआ था f dash of x से हमने क्या find out किया fx find out किया okay fx में जो c आता है उसका जो value है वो हमें कैसे मिलेगा जब हम one दिया हुआ point उसमें substitute करेंगे So, y के जगह पे 0 रख दिया मैंने x के जगह पे 1 रख दिया मैंने fx is nothing but your y y के जगह पे 0 रख दिया x के जगह पे 1 रख दिया c का वैल्यू 0 आया c का वैल्यू 0 रखने के बाद मुझे fx का वैल्यू कितना मिला x square minus x फोर्टीन क्वेश्चन होमवर्क के लिए करो सिमिलर है 13 तब भी करते हैं 14th जो है डू इट एज अ होमवर्क एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है सिर्फ फंक्शन चेंज किया हमने तो हमें ये सारे क्वेश्चंस में f डैश ऑफ x दिया हुआ है और हमें fx फाइंड आउट करना है सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है 13 में इक्वेशन ऑफ कर्व विच पासेस थ्रू कर्व कहां से पास हो रहा है 1,3 से हैज अ स्लोप स्लोप मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन होता है So f dash of x जो भी होगा वो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4x minus 3 दिया हुआ है f dash of x कितना दिया हुआ है 4x minus 3 दिया हुआ है और f dash of x से हमें क्या find out करना है fx find out करना है तो क्या करना पड़ेगा मैंने अभी ये बताया था देखो नहीं slope मतलब differentiation रहता है ना तो f dash of x होगा f of x कैसे होगा स्लोप मतलब f of x कैसे होता है f dash of x मतलब स्लोप होता है ना ठीक है तो मुझे f dash of x से अगर मुझे fx चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन सो fx इज इक्वल टू इंटीग्रल f dash of x dx क्या ये 4x minus 3 dx कितना आता है 4x minus 3 इंटीग्रेशन 4x का 4 x square by 2 and 3 का 3x plus अब जो fx है उसको हम क्या लेंगे y ना
Now this curve passes through 1, 3. Curve passes through 1, 3 मतलब y के जगह पे 3 जाएगा, x के जगह पे 1 जाएगा. So 3 equal to 2 minus 3 plus c. So यहाँ से 3 equal to minus 1 plus c. So c is equal to what? 4. तो हमारा fx कैसे दिखेगा तू? Y is equal to y is equal to 2x square minus 3x plus 4. ठीक है ना? ठीक है? So finally done. करते हैं रिवीजन शुरू.